हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में एहसास स्टार्स में। और आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर और राइटर विक्रम आदित्य मोटवानी की एज अ डायरेक्टर और राइटर रिलीज तमाम मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। व्यूअर, एज अ डायरेक्टर विक्रम आदित्य मोटवानी की डेब्यू मूवी थी उड़ान, जो कि 2010 में रिलीज हुई है। और अब तक एज अ राइटर और डायरेक्टर वो कितनी मूवीज का हिस्सा रहे हैं और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही हैं, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में विक्रम आदित्य मोटवानी का सक्सेस रेशो क्या है, आज की इस वीडियो में यही डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। विवेक अग्निहोत्री की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी धन धनाधन गोल, ये एज अ स्क्रीन प्ले राइटर विक्रम आदित्य मोटवानी की डेब्यू मूवी थी। फिल्म की लीड कास्ट में जॉन अब्राहम, बिपाशा बासु, अर्षित वारसी शामिल थे और यह फिल्म 23 नवंबर 2007 को रिलीज हुई थी। 19 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 13 करोड़ 87 लाख के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। अनुराग केशव की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी देव डी, इस फिल्म के राइटर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में अभय देओल, माही गिल और कालकी कोचलेन शामिल थे। यह फिल्म 6 फरवरी 2009 को रिलीज हुई थी। 11 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 15 करोड़ 30 लाख के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर यह एक एवरेज मूवी साबित हुई। एज अ डायरेक्टर विक्रम आदित्य मोटवानी की डेब्यू मूवी थी उड़ान, इस फिल्म के राइटर भी खुद विक्रम आदित्य मोटवानी थे। फिल्म की लीड कास्ट में रजत बरमीचा, रोनित रॉय, अयान बोरीदिया, राम कपूर शामिल थे और ये फिल्म 16 जुलाई 2010 को रिलीज हुई थी। 4 करोड़ 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ 35 लाख के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 4 करोड़ 28 लाख और बॉक्स ऑफिस पर उड़ान एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। विकास भेल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी क्वीन, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में कंगना रनावत, राजकुमार राव और लीजा हेडन शामिल थे। यह फिल्म 7 मार्च 2014 को रिलीज हुई थी। 23 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 61 करोड़ के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 95 करोड़ 4 लाख और बॉक्स ऑफिस पर क्वीन एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अनुराग केशव की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी अगली, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में राहुल भट्ट, रोनित रॉय और गिरीश कुलकर्णी शामिल थे। यह फिल्म 26 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। 6 करोड़ 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 6 करोड़ 23 लाख के कलेक्शन की और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। विक्रम आदित्य मोटवानी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी लुटेरा, इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर भी खुद विक्रम आदित्य मोटवानी थे। फिल्म की लीड कास्ट में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा शामिल थे। ये फिल्म 5 जुलाई 2013 को रिलीज हुई थी। 32 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 29 करोड़ के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 49 करोड़ 68 लाख और बॉक्स ऑफिस पर लुटेरा एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। वेनिल मैथ्यू की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हसी तो फसी, इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, परिणीति चोपड़ा और अदा शर्मा शामिल थे। यह फिल्म 7 फरवरी 2014 को रिलीज हुई थी। 26 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 36 करोड़ 56 लाख के कलेक्शन की और एक एवरेज मूवी साबित हुई। विकास बहल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी शानदार, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में शाहिद कपूर, आलिया भट्ट, सोहम खान, संजय कपूर शामिल थे और यह फिल्म 24 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई थी। 29 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने इंडिया में 43 करोड़ 13 लाख के कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नीरज गेवान की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मसान, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में रीचा चड्डा, विकी कुशार, श्वेता त्रिपाठी और संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी शामिल थे। यह फिल्म 24 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी। 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 3 करोड़ 80 लाख के कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। अनुराग केशव की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी बॉम्बे वेलवेट, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, के मेनन और करण जौहर शामिल थे। यह फिल्म 15 मई 2015 को रिलीज हुई। 118 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 23 करोड़ 67 लाख के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। हर्षवर्धन कुलकर्णी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हंटर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में गुलचंद देविया, राधिका आप्टे, साई तमानकर और वीरा सक्सेना शामिल थे। ये फिल्म 20 मार्च 2015 को रिलीज हुई। 9 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 12 करोड़ 86 लाख के कलेक्शन की और एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई। नवदीप सिंह की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी NH10, इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में अनुष्का शर्मा और नील भूमपालन शामिल थे। ये फिल्म 13 मार्च 2015 को रिलीज हुई। 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 31 करोड़ 53 लाख के कलेक्शन की और एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई। अभिषेक चौबे की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी उड़ता पंजाब, इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में शाहिद कपूर, करीना कपूर, आलिया भट्ट, दिलजीत दोसांझ शामिल थे। यह फिल्म 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। 47 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 60 करोड़ 33 लाख के कलेक्शन की और एक एवरेज मूवी साबित हुई।
अनुराग कश्यप की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रमन राघव 2.0। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विक्रमादित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विकी कुशाल और सुविधा दोलीपाला शामिल थे। ये फिल्म 24 जून 2016 को रिलीज हुई। 10 करोड़ के बजट में बनी सुनने इंडिया में 7 करोड़ के कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। विक्रम आदित्य मोटवानी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी ट्रैप। फिल्म की लीड कास्ट में राजकुमार राव और गीतांजलि थापा शामिल थे। यह फिल्म 17 मार्च 2017 को रिलीज हुई। 5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने इंडिया में 2,83,00,000 के कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। अनुराग कश्यप की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मुक्काबाज। फिल्म की लीड कास्ट में विनीत कुमार सिंह, जोया हुसैन और जिमी शेरगिल शामिल थे। यह फिल्म 12 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। 12 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने इंडिया में 10,51,00,000 के कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। शैलोक शर्मा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जू। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में श्वेता त्रिपाठी, शशांक अरोरा और राहुल कुमार शामिल थे और इस पूरी फिल्म की शूटिंग आईफोन 6 से हुई थी। यह फिल्म 13 अप्रैल 2018 को ODD प्लेटफॉर्म पर डिजिटली रिलीज की गई थी। थिएटर्स पर यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी थी। आकाश खुराना की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हाईजैक। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में सुमित व्यास, मंत्रा और सोनाली सहगल शामिल थे। यह फिल्म 18 मई 2018 को रिलीज हुई थी। 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 34,00,000 के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। नीरज गेवियान, विक्रम आदित्य मोटवानी और अनुराग कश्यप की डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज कैट गेम। 8 एपिसोड पर बनने वाली इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आपटे, पंकज त्रिपाठी शामिल थे और ये वेब सीरीज 6 जुलाई 2018 से लेकर 15 अगस्त 2019 तक 2 सीजन इसके आए हैं। नेटफ्लिक्स के थ्रू डिजिटली ये वेब सीरीज दिखाई गई थी ODD प्लेटफॉर्म पर। विक्रम आदित्य मोटवानी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी भवेश जोशी सुपर हीरो। फिल्म की लीड कास्ट में हर्षवर्धन कपूर और निशिकांत कामन शामिल थे। यह फिल्म 1 जून 2018 को रिलीज हुई थी। 21 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 1,45,00,000 के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। अनुराग कश्यप की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मन मर्जियां। फिल्म की लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन, तापसी पन्नू और विकी कुशाल शामिल थे। यह फिल्म 15 सितंबर 2018 को रिलीज हुई। 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 27,09,00,000 के कलेक्शन की और एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई। पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी घूम किट्टो। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। फिल्म की लीड कास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रंजनी खन्ना और अनुराग कश्यप भी इस फिल्म का हिस्सा थे। ये फिल्म 20 मई 2020 को Z5 के थ्रू डिजिटली ODD प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। थिएटर्स पर इसे रिलीज नहीं किया जा सका। विक्रम आदित्य मोटवानी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी AK vs AK। फिल्म की लीड कास्ट में अनिल कपूर, अनुराग, योगिता बिहानी और सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर भी इस फिल्म में स्पेशल अपेयरेंस में दिखाई दिए थे। यह फिल्म 24 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स के थ्रू डिजिटली ODD प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई थी। हार्दिक मेहता की डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज डी कपलेट। इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी। इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में आर माधवन और सरविंद चावला शामिल थे और ये वेब सीरीज 17 दिसंबर 2021 को नेटफ्लिक्स के थ्रू डिजिटली ODD प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई थी। रोहिन रविंद्रन की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी 2024। इसके प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी और ये फिल्म 23 नवंबर 2021 को Disney+ Hotstar के थ्रू डिजिटली ODD प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई थी और यही है डायरेक्टर प्रोड्यूसर विक्रम आदित्य मोटवानी की अब तक की रिलीज आखिरी फिल्म या वेब सीरीज है। विक्रम आदित्य मोटवानी के डायरेक्शन में बनने वाली अपकमिंग वेब सीरीज का नाम है जूली। इस वेब सीरीज के 9 एपिसोड होंगे और इसकी लीड कास्ट में प्रसन्नजीत चटर्जी, आदित्य रॉय हैदरी और अपार शक्ति खुराना शामिल होंगे और ये वेब सीरीज आपको 2022-2023 में देखने को मिल सकेगी। तो इवर एज अ राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विक्रम आदित्य मोटवानी 25 मूवीज का हिस्सा रहे हैं जिनमें से उनकी 1 मूवी हिट, 1 मूवी सेमी हिट, 3 एवरेज, 2 बिलो एवरेज, 9 फ्लॉप, 3 डिजास्टर रही और 6 मूवीज या वेब सीरीज डिजिटली ODD प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई हैं। तो इस हिसाब से विक्रम आदित्य मोटवानी का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो बनता है 36.84%। तो व्यूअर्स ये थी विक्रम आदित्य मोटवानी की रिलीज तमाम मूवीज की डिटेल। तो एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर विक्रम आदित्य मोटवानी की रिलीज इन तमाम मूवीज वेब सीरीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवी या वेब सीरीज है, कमेंट सेक्शन में उनके नाम मेंशन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में सात स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।